हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और February 24, 2022 रशिया और यूक्रेन के वॉर शुरू होने से पहले ही करीब 137 यूक्रेनियन सिटीजन मारे गए और करीब 316 जख्मी हुए, जिसके चलते करीब 17 देश यूक्रेन की तरफ से खड़े भी हो चुके हैं विथ 10 कंट्रीज ऑन रशिया साइड एज वेल। तो क्या रशिया ही बनेगा एक तीसरे विश्व युद्ध की वजह? लेकिन पिछले कुछ सालों में यूएस बैक्ड नेटो फोर्सेस ने रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर मौजूद सभी एक्स सोवियत कंट्रीज को हेविली मिलिटराइज करके रखा है, जिसके खिलाफ रशिया ने 17 दिसंबर 2021 में आवाज भी उठाई थी। तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली द यूएस यूक्रेन जैसे एक्स सोवियत नेशंस को पपेट्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि रशिया को पूरी तरह से टुकड़ों में तोड़ डाले या फिर खत्म ही कर दे? और इस सब के बीच दोनों कुछ ये कह रहे हैं तो आखिर ये डॉनबास किस चिड़िया का नाम है जिसके पीछे वेस्ट और रशिया दोनों पड़े हुए हैं? वेल, इन्हीं सारे सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो टाइटल्ड रशिया यूक्रेन क्राइसिस पार्ट 2। 18th सेंचुरी ये वो समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया भर में अपने पैर पसार रहा था और सभी मेजर कंट्रीज अपने इन्हीं इंडस्ट्रीज को पावर देने के लिए कोल और अन्य रिसोर्सेज से भरे हुए रीजन्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे। और इसी बीच सोवियत एम्पायर ने भी कोल डिपॉजिट्स से भरे दो रीजन्स पर अपने नजरें गड़ाई। इन दो रीजन्स का नाम था डोनेट्स्क और लुहांस्क, जो वैसे तो प्रेजेंटली यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर मौजूद दो अलग प्लेसेस हैं, लेकिन रशियंस इन्हें कलेक्टिवली डॉनबास के नाम से पुकारते हैं। और इसीलिए प्रेजेंटली यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है उसमें रशिया मेजरली तीन बातों पर अड़ा हुआ है। नंबर वन, क्योंकि डॉनबास में रशियन स्पीकर्स की तादाद ज्यादा है और वो रशिया में फिर से मिलना चाहते हैं, यूक्रेन और नेटो इन एरियाज को रशिया में मिलने से रोक रहा है, जो कि उन्हें नहीं रोकना चाहिए। नंबर टू, क्योंकि डॉनबास के सपोर्ट से चुनकर आए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को 2014 में सिर्फ इसीलिए हटाया गया बिकॉज उसने यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्वाइन करने से मना किया था, नाउ रशिया वांट्स सच लीडर्स टू बी रिस्टोर्ड टू पावर। नंबर थ्री, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेटो फोर्सेस ने ऑलमोस्ट सभी एक्स सोवियत नेशंस जिसके रशिया, पोलैंड, यूक्रेन एटसेट्रा को हेविली मिलिटराइज करके रखा है, रशिया ऑब्वियसली सीज दिस एज अ थ्रेट और वो उन रीजन्स को डीमिलिटराइज्ड देखना चाहता है। So, now that you know कि इस कहानी की बेसिक जिस्ट क्या है, let's see कि recent ड्रामे की शुरुआत कहां से हुई। यानी, simply let's discuss the sequence of events in present crisis. November 21, 2021, US Intel के अनुसार भारी मात्रा में रशियन ट्रूप्स और वेपन सिस्टम्स यूक्रेनियन बॉर्डर के पास दिखाई दिए। November 28, 2021, यूक्रेन ने यूएस की रिपोर्ट को बैक करते हुए दावा किया कि बॉर्डर पर करीब 92,000 ट्रूप्स हैं, जिसे रशिया ने तो पहले ठुकराया बट फिर कहा कि हम अपने ट्रूप्स तभी हटाएंगे जब यूक्रेन हमें नेटो ना ज्वाइन करने की लीगल गारंटी देगा। December 7, 2021, यूएस रशिया को ऑफिशियली धमकी देता है कि अगर उसने यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश भी की ना तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। December 17, 2022, रशिया ने नेटो और यूएस को एक्स सोवियत नेशन से दूर रहने का ऑफिशियल प्रपोजल दिया, लेकिन वेस्ट नहीं माना। January 17, 2022, रशिया ने यूक्रेन के बगल वाले देश बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट किए। January 19, 2022, यूएस ने यूक्रेन के लिए $200 मिलियन की सिक्योरिटी एड अनाउंस की। January 24, 2022, नेटो ने अपने फोर्सेस यूरोप के ईस्टर्न डिफेंस या यूं कहूं तो रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर वाले एरियाज में बढ़ाए। January 25, 2022, रशिया ने फिर अपने भी ट्रूप्स और डिफेंस सिस्टम्स बढ़ाए। January 26, 2022, यूएस ने नेटो ट्रूप्स को हटाने से मना कर दिया और कहा कि रशिया के डिमांड्स अनरियलिस्टिक है, जिस पर दो दिन बाद चाइना ने वेस्ट को वार्न भी किया कि रशिया को हल्के में ना लिया जाए, पर यूएस नहीं माना और मिड फेब तक डॉनबास में घमासान फायरिंग चालू हो गई। February 19, 2022, डॉनबास के प्रो रशियन रिबेल्स ने वहां के रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट करके सेफली रशिया भेजने की बात की, मगर यूएस ने इस सारी तबाही का ब्लेम अकेले रशिया पर डाल दिया और कहा अब रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन को इन्वेड करने वाला है। February 22, 2022, रशिया ने यूक्रेन के डॉनबास रीजन में अपने ट्रूप्स उतारने का फैसला किया, वो भी ये कहकर they are on a peacekeeping mission to protect the Russian people in Donbass. Now, February 24, यानी इस peacekeeping mission की official शुरुआत से कितने लोगों और property के pieces हुए, ये तो I think आप सभी news पर देख ही रहे हो. So instead, let's just see कि इस not so peaceful peacekeeping mission में क्या हुआ, कौन किसके side है,
Well, NATO ke bade players jiski Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, the United Kingdom and the United States, ye to obviously Ukraine ki side khade hain. Lekin saath hi Germany, France, Japan, Australia aur South Korea ne bhi Russia par sanctions lagane ka elan kar diya hai. However, Russia bhi yahan par akela nahi hai. क्योंकि यूएस के ऑब्वियस एनिमीज विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज यानी चाइना, ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया रशिया की तरफ है, मगर साथ ही क्यूबा और 5x सोवियत देश जैसे अर्मेनिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस भी रशिया के साथ ही खड़े हैं। इनफैक्ट इन 5x सोवियत देशों ने तो रशिया के साथ मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO भी फॉर्म कर लिया है, जिसके अंतर्गत एनी अटैक ऑन रशिया वुड बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन अदर 5 countries एज वेल। एंड बाय द वे, इस पूरे इशू को बढ़ चढ़ के ताव देने वाले यूएस जैसे देशों ने तो ये साफ जाहिर कर दिया है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स और फंड्स ही भेजेंगे, अपने खुद के मिलिट्री ट्रूप्स नहीं। और इसीलिए अगर ये नाम बड़े दर्शन छोटे वाले वेस्टर्न देश यूक्रेन की आगे बढ़कर मदद नहीं करने वाले हैं, तो फिर रशिया को रोकने के लिए ये देश आखिर किस तरह के एक्शंस लेने का दावा कर रहे हैं? एक्शंस टेकन टू कर्ब द इशू। नंबर 1, इकोनॉमिक सैंक्शन बाय वेरियस कंट्रीज। यूके, रशिया के 6 banks, 11 businesses, 8 prominent लोग, जिनमें हमारे पुतिन साहब के एक्स दामाद किरिल शामिलोव भी शामिल है, उनके पॉलिटिशियन सारे एक्सपोर्ट लाइसेंसेस पर सैंक्शंस लगाएंगे और एसेट्स को जब्त किया जाएगा, और इन सैंक्शंस के चलते रशियन कंपनीज अब यूके के मार्केट से पैसे बोरो नहीं कर सकती और यूके से कोई पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा, जिसके बाद यूके ने तो अपने एयर स्पेस के दरवाजे तक रशियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दिए। यूएस, सैंक्शंस लगाने में यूएस डेफिनेटली पीछे नहीं रहने वाला है। यूएस ने भी 5 रशियन banks, कुछ रशिया के प्रोमिनेंट लोग और बिजनेसेस पर सैंक्शंस लगा दिए। और हाँ, साथ ही में ये भी कहा है कि ये तो फर्स्ट ट्रांच ऑफ सैंक्शन है, इसके आगे कुछ हरकतें हुई तो सैंक्शंस और सिवियर हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने तो एक स्टेप आगे बढ़कर सैंक्शंस लगाए उनके 27 इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पर। 351 डूमा के मेंबर्स और रशियन मिलिट्री कमांडर्स के साथ यूरोपियन यूनियन के कैपिटल मार्केट के सारे ट्रांजैक्शन रशिया से तोड़कर उन्होंने अपना विरोध जताया। जर्मनी, इन्होंने तो अपना अनोखा विरोध जताया गैस पाइपलाइन बंद करके, मेरा मतलब है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये $11 billion की रशियन नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसके डील को रोक कर उन्होंने अपना विरोध जताया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी बाकी कंट्रीज की तरह प्रोमिनेंट लोग और एसेट जब्त जैसे सैंक्शंस लगाए, पर इतने सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया और यूक्रेन में जी भर के तबाही मच रही है, तो क्लियरली ये सैंक्शंस इमीडिएटली तो जरा भी काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या रशिया को रोकने के लिए वेस्ट और यूक्रेन के पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है? वेल, काइंड ऑफ एक है, एंड दैट इज रशिया पर स्विफ्ट बैन। ये एक ऐसा बैन होता है जिसे खुद रशिया भी डरता है, वो भी इतना कि 2014 में जब एक सिमिलर इशू के चलते रशिया पर इस बैन को लगाने की बात चल रही थी, तब उसके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर एलेक्से कुड्रिन ने कहा था कि इस बैन के लगने से रशिया की GDP 5% से गिर जाएगी। पर ये स्विफ्ट आखिर होता क्या है? Well, SWIFT यानी Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, इसे 1973 में ब्रुसेल्स में बनाया गया था, जिसका काम था सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम प्रोवाइड करना, जिसे यूज करके बैंक्स क्विक एंड सिक्योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हैं। यानी सिंपली कहे तो ये इंटरनेशनल बैंक्स का व्हाट्सएप है, जिसे 2 unknown banks कंफर्म कर सकते हैं whether पैसे जिस अकाउंट में पहुंचने हैं वो अकाउंट उसके ओरिजिनल रिसीवर का एग्जिस्टिंग अकाउंट है या फिर नहीं। नाउ दिस इज अ ह्यूज बैन, जिसे अभी तक किसी भी कंट्री ने किसी दूसरे पर इम्पोज नहीं किया है, इवन तब भी जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पेनिनसुला को कैप्चर किया था। बट वेट, रशिया ने वापस यूक्रेन के साथ वही किया है। क्या इसका मतलब यह है कि रशिया स्विफ्ट बैन के खिलाफ अपनी कोई नई रणनीति सोच चुका है? आखिर क्या पॉसिबल एक्शंस ले सकता है रशिया अपने डूबते इकोनॉमी को बचाने के लिए? हो सकता है रशिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यमन या सऊदी जैसे इरेस्पॉन्सिबल देशों को बेचना शुरू कर दे टू अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स। यानी ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे सैंक्शंस लगने पर पाकिस्तान ने किया था, बाय सेलिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड लीबिया, वो भी यूएस के नाक के नीचे से। साथ ही रशिया वर्ल्ड के 12% ऑयल डिमांड को केटर करता है, जिससे रशिया के ऑयल ट्रेड पर बैन लगना मतलब वेस्ट के लिए खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को अपने 40% नेचुरल गैस सप्लाईज रशिया से ही मिलते हैं और यूके को अबाउट 3%। ऊपर से ऐसे बैन से जर्मनी के नॉर्थ स्ट्रीम 2 ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी परिणाम हो सकता है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज में ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे।
और रही बात डॉलर्स पर लगाए सैंक्शंस की, तो बीबीसी न्यूज से पता चलता है कि रशिया के पास 630 बिलियन डॉलर्स वर्थ का सोना भरा पड़ा है, जिससे रशिया अपने सारे ट्रेड डॉलर्स को सरपास करके गोल्ड में भी कर सकता है। इसी के साथ स्विफ्ट बैन के खिलाफ रशिया ने भी एक काफी स्विफ्ट मूव लिया है, जिसमें रशिया अपना खुद का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स तैयार कर रहा है। वो 2014 के बाद से ही चाइना के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, वो भी उनके साथ डी-डॉलराइजेशन का नारा लगाते हुए। इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत दोनों ने यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस घटाने के लिए आपस में 150 बिलियन युआन यानी 24.5 बिलियन डॉलर्स का करेंसी स्वॉप एग्रीमेंट साइन किया है। बट क्या इतनी नजदीकी रशिया सही होगी या रशिया भी चाइना के इस प्रेम जाल में फंसता ही चला जाएगा? वेल, रशिया अच्छी तरीके से जानता है चाइनीज करेंसी को बढ़ावा देने से उसकी प्रोमिनेंस बढ़ सकती है और वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस सकता है। तो क्या जैसे यूक्रेन के एनवॉय ने पीएम मोदी से रशिया को समझाने की मांग की है, इंडिया को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? और इस पूरे इशू का इंडिया पर क्या असर हो सकता है? वेल दैट इज एन इशू फॉर अनदर वीडियो, क्योंकि एक्चुअली मोदी ने इस पे रिएक्ट अभी तक नहीं किया है। भारत का इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टैंड होने वाला है, आई एम वेटिंग टू सी दैट। एंड अगर आपको इस पे भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कोई बात नहीं, वो हम बनाएंगे हमारे दूसरे चैनल गेट सेट फ्लाई फ्लर्न में बहुत ही जल्द, सो जस्ट वेट फॉर इट। आपका क्या ओपिनियन है सारे मामले को लेकर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में करना अपनी टिप्पणी। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेंगे रेगुलरली। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।